नगरमध्ये स्टेशन रोडवरील आयकॉन पब्लिक स्कूलमध्ये रविवार दिनांक 17 डिसेंबर रोजी फॅमिली फन अँड एज्युकेशन फेअरचं आयोजन करण्यात आलंय. या फेअरमध्ये सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना सहभागी होता येणार असून ज्ञानयुक्त मनोरंजनाच्या या फेअरमध्ये विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. नगरमधील स्टेशन रोडवरील शरद मोथा एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित आयकॉन पब्लिक स्कूलमध्ये रविवार दिनांक 17 डिसेंबर रोजी भव्य फॅमिली फन अँड एज्युकेशन फेअरचं आयोजन करण्यात आलंय. ज्ञानयुक्त मनोरंजनातून विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करतानाच यात पालकांनाही सामावून घेण्यात येणार आहे. नगरमधील सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी हा फन अँड एज्युकेशन फेअर खुला आहे. यात विद्यार्थ्यांना आकर्षक गेम्स, कला चाचणी मार्गदर्शन, विज्ञान प्रदर्शन, पुस्तक प्रदर्शन, पथनाट्य, विविध स्पर्धा, छंद मार्गदर्शनासह विविध खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्सवर रुचकर पदार्थांचाही आस्वाद घेता येणार आहे. एज्युकेशन फेअरसाठी प्रत्येकी 20 रुपये प्रवेश फी ठेवण्यात आली आहे. या फेअरमध्ये सहभागी होणारा प्रत्येक विद्यार्थी नवीन काहीतरी शिकून परतेल असा विश्वास आयकॉन पब्लिक स्कूलच्या प्राचार्या आराधना राणा यांनी व्यक्त केला. 17 डिसेंबर को आयकॉन पब्लिक स्कूल स्टेशन रोड अहमदनगर में एक एजुकेशनल फेयर लगने वाला है और ये फेयर जो है लास्ट ईयर भी हमने लगाया था जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और उसके बाद हमने ये एनुअल इवेंट करा है. सो इस फेयर में पूरे दिन का फेयर होगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेगा और इसमें हर एक के लिए कुछ ना कुछ है. गेम्स हैं जो एजुकेशनल इन नेचर है, कोई भी गेम है वो चैलेंजिंग गेम्स हैं और उससे कोई लर्निंग एक्सपीरियंस ही आपको मिलेगा. जैसे इंग्लिश बेस्ड हैं या मैथमेटिक बेस्ड हैं, लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड हैं. देन साइंस और सोशल स्टडीज़ के इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं जो इवन ले पर्सन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं क्योंकि वो सीखेंगे कि किस तरह साइंस हमारी रोज़ की ज़िंदगी में काम आती है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये जो बच्चे पढ़ते हैं ये इनकी बुक से निकल कर हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे काम आती है. देन उसके अलावा एक बहुत बड़ा बुक फेयर है जो दिल्ली के स्कॉलास्टिक इंडिया और नवनीत दोनों मिलकर लगा रहे हैं, जिसमें बच्चे डिफरेंट तरह की बुक्स देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर अगर खरीदनी हो तो खरीदेंगे. उसके अलावा फन एक्टिविटीज़ हैं जैसे फेस पेंटिंग है, टैटू है, म्यूज़िक है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हैं. देन देयर आर स्ट्रीट प्लेस. स्ट्रीट प्लेस में पब्लिक अवेयरनेस जो है वो दी जाएगी किस तरह हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं. उसके अलावा हॉबी आइडियाज़ दिए जाएंगे और खूब सारे खाने के स्टॉल्स हैं जो स्नैक्स हैं, लंच है, मिल्क शेक्स, कॉफ़ी, चाइनीज़ बेकरी आइटम्स इनके स्टॉल्स हैं. और फिर जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं या जो एजुकेशनल कोचिंग सेंटर्स हैं या कोई हॉबी सेंटर्स हैं उनके स्टॉल्स हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बच्चों को और पढ़ाई से ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो पूरे दिन का फेयर है. इसकी एंट्री टिकट इज़ ऑल्सो अ रेफर टिकट. सो ये रेफर के ऊपर अट्रैक्टिव प्राइसेज हैं. 4:30 PM पे इसका लकी ड्रॉ होगा और उसमें 15 to 20 प्राइजेस दिए जाएंगे. सो ये एक फन फील्ड पूरा एंटरटेनमेंट इवेंट है और संडे को रखा है ताकि सब इसे इंजॉय कर सकें और फैमिली के साथ आ सकें. टिकट्स जो हैं वो आइकॉन स्टूडेंट्स के पास आपको मिलेंगे या स्कूल ऑफिस से मिलेंगे. और फिर भी अगर बुक ना करवा पाएँ तो कुछ टिकट्स गेट पे भी सेल हो रहे होंगे. सो आइए और इन्जॉय कीजिए. इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा हम एक स्टेप शुरू करने जा रहे हैं जो हमने एक क्लब बनाया है, हेल्पिंग हैंड्स. ये जो हेल्पिंग हैंड्स क्लब है इसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और वो आगे बढ़कर आए हैं टू बिकम हेल्पिंग हैंड्स टू द अनफॉर्चुनेट. सो उसके लिए हमने स्नेहालय के 250 बच्चों को बुलाया है. और ये नहीं है कि उनको सिर्फ आके कोई चैरिटी इवेंट है, वो जब आएंगे तो हर एक बच्चा 3 या 4 बच्चों को लेकर एक ग्रुप में उनको गेम्स खिलाएगा. उनका एंट्री और गेम्स स्कूल की तरफ से फ्री है. इसके अलावा उनको बच्चे जो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो उनको एज फ्रेंड्स लेके जाएंगे और उनको ईटिंग स्टॉल्स पे जो भी उनको खाना होगा वो खरीद के उनको खाने को मिलेगा. और ऐसा नहीं है कि उनको कोई देगा, उनको सिर्फ एंट्री पे हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से कूपन्स दिए जाएंगे और जो चाहेंगे वो लेंगे. इससे क्या है कि बच्चों में एक कंपैशन आएगा, एम्पैथी आएगी कि जो बच्चे हमारे तरह इतने लकी नहीं रहे हैं उनके उनके उनकी ज़िंदगी में भी एक दिन ऐसा हो जब उनको खुशियों से भर दें. और स्नेहालय के बच्चों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि वो उनको नए दोस्त मिलेंगे.
सो इट इज़ नॉट अ चैरिटेबल इवेंट, लेकिन दोनों तरफ बच्चों को सीखने को मिलेगा और हम थैंकफुल हैं कि स्नेहालय के बच्चे भी हमारे बच्चों को कुछ सिखा कर जाएंगे. सो दिस इज़ अ फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी आर टेकिंग अप एज हेल्पिंग हैंड्स, और इसके बाद इसके क्लब के अंडर हम और भी ज़्यादा चीज़ें करने वाले हैं. शाळेच्या प्रांगणात सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 या वेळेत भव्य फॅमिली फन अँड एज्युकेशन फेअर होणार आहे. यंदाच्या फन अँड एज्युकेशन फेअरमध्ये शाळेनं स्नेहालय संस्थेतील सुमारे 250 वंचित मुलांना खास निमंत्रित केलंय. सकाळी 9:30 ते 11 या वेळेत स्नेहालयातील मुले या फेअरमध्ये सहभागी होणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे या मुलांचं स्वागत व त्यांची पूर्ण व्यवस्था 91 शाळेतील विद्यार्थ्यांनी स्थापन केलेल्या हेल्पिंग हँड क्लब मार्फत होणार असल्याचं विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. गुड आफ्टरनून एव्हरीबॉडी, मी ट्रोजन हाऊस कॅप्टन, आयकॉन पब्लिक स्कूल, ग्रेड 10 का स्टूडेंट अमय अमित मुक्ता हूँ. आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे स्कूल ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है हेल्पिंग हैंड्स. हेल्पिंग हैंड्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम स्नेहालय के बच्चों को अब जी जान लगा कर मेहनत करेंगे. पिछले साल तक स्नेहालय के बच्चे हमारे स्कूल में कई बार आए, वे हमारे एजुफेयर में आए थे, पिछले साल एनुअल फंक्शन में आए थे और ऐसे कई अवसरों में आए थे. पर इस साल हमारे स्कूल ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है इसमें हम आइकॉन के बच्चे स्नेहालय के 3-4 बच्चों को साथ में लेकर पूरा एजुफेयर में घुमाएंगे. उन्हें उनके खाने की व्यवस्था होगी और कई गेम्स भी खिलाएंगे. सो हमें बहुत मज़ा आ रहा है और इसे उत्सुकता हो रही है कि अब ये बच्चे कब आएंगे और हमारी एजुफेयर की शान बढ़ाएंगे. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं यूनिकॉर्न हाउस कैप्टन सिद्धि मुत्रा, ग्रेड 10 की स्टूडेंट हूँ. जब ये स्नेहालय के बच्चे आएंगे, ये जो हमने जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया है हेल्पिंग हैंड्स, ये कोई चैरिटी या डोनेशन नहीं है बल्कि ये हम सब के लिए एक एक्सपीरियंस है. जब वो बच्चे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कैसी परिस्थितियों में, कैसे सर्कमस्टेंसेस में ऊपर आए, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, हमारे नए दोस्त बनेंगे. तो इसे हम कोई चैरिटी वगैरह नहीं बोल सकते हैं. हमें बहुत खुशी है कि ये बच्चे आ रहे हैं, ये बच्चे हमें एक चांस दे रहे हैं उनको थैंक यू बोलने के लिए. तो ये जब आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी. इन सबको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, यहाँ पे गेम्स खिलाए जाएंगे, फिर खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी. तो वी आर वेटिंग व्हेन दीज पीपल विल कम एंड विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद देम. या उपक्रमासाठी संस्थेचे मुख्य संस्थापक व प्रवर्तक शरद मुथा, चेअरमन अशोक मुथा, विश्वस्त निर्मल मुथा, अमित मुथा, डायरेक्टर कर्नल आरसी राणा आदींचं मार्गदर्शन लाभतंय. प्रतिनिधी सचिन कलमदार यांच्यासह कॅमेरामन यतीन कांबळे, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर.